हेलो गाइस, चैनल एग्ज़ाम गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ उसमें हम डिस्कस करेंगे जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कांस्टेबल की भर्ती निकाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। 41,520 वैकेंसी हैं जिसमें, और एक तरीके से कहा जाए तो ये योगी सरकार का युवाओं को तोहफा है। तो इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है, कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, कितने का फॉर्म है, क्या प्रक्रिया होगी इसके सिलेक्शन की। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है इसका, जो कि वैकेंसी दी गई हैं वो दो पार्ट में डिवाइड कर दी गई हैं। एक है आरक्षी नागरिक पुलिस और दूसरा है आरक्षी प्रादेशिक आर्म कॉन्स्टेबलरी। तो जो पहला पार्ट है उसमें टोटल जो वैकेंसी हैं वो 23,520 हैं, जिसमें जनरल की 11,761, ओबीसी 6,350 और एससी कैटेगरी के लिए 4,939 और एसटी कैटेगरी के लिए 4,470, जो कि दूसरी कैटेगरी थी जिसमें यूआर यानी कि जनरल अनारक्षित कैटेगरी के लिए 9,000 हैं, ओबीसी वर्ग के लिए उसमें 4,860 वैकेंसी दी गई हैं, एससी कैटेगरी अनुसूचित जाति के लिए 3,780 और एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए 360, टोटल 18,000 इस वाले भाग में पार्ट बी में दी गई हैं। और जो नीचे दिया गया है, मेंशन किया गया है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पद भर्ती हेतु पुरुष व महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, यानी कि ये वाली जो है पार्ट वन वाली, इसमें मेल फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो खा वाला पार्ट है इसमें फीमेल के लिए नहीं है, केवल मेल ही भर सकते हैं। जो 18,000 वैकेंसी जो पार्ट टू में है उसमें केवल मेल ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा, आयु कितनी होना चाहिए आपकी, एज जो सबसे बड़ी बात है कि एज जो हो वो 1/7/2018 को 18 वर्ष की आयु हो और 22 वर्ष की आयु से ज़्यादा ना हो, यानी कि 2 जुलाई 1996 से पहले और 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट जो भी अभ्यर्थी हो वो इस डेट से पहले और इस डेट के बाद का नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए 1/7/2018 को 18 वर्ष की आयु और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, 1/7/2018 को 18 वर्ष से कम ना हो और 25 वर्ष से ज़्यादा ना हो, मतलब 2 जुलाई 1993 से पहले तथा 1 जुलाई 2000 के बाद के नहीं होना चाहिए महिला अभ्यर्थी जो हैं, ठीक। और बाकी जो रिजर्वेशन मिलता है वो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन जो भी होगा वो रिजर्वेशन मिलेगा। इसमें आप फॉर्म कौन कौन फिल कर सकता है, इसमें फॉर्म जो जिसने प्लस टू यानी कि 12th 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली हो या उसके कोई समकक्ष या उसके लेवल का कोई भी कोर्स हो, जैसे कि बहुत से मदरसा बोर्ड कराते हैं या कोई संस्कृत बोर्ड से होता है, तो वो 12th के इक्विवेलेंट जो भी कोर्स होगा वो मान्य होगा। भर्ती की प्रक्रिया जो है वो होगी, ये चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2017 एवं उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म कॉन्स्टेबलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 के अधीन किया जाएगा, मतलब जो भी उनका रूल है उसी के अधीन होगा। इसमें क्या होगा, इस भर्ती में लिखित परीक्षा होगी, ठीक। सबसे पहले तो आपका पेपर होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन उसके बाद आपका फिजिकल शारीरिक मानक परीक्षण होगा, और जो भी उसमें तीनों में पास हो जाएंगे उनका फाइनल चयन हो जाएगा। जो लिखित परीक्षा होगी उसमें 300 नंबर का पेपर होगा और इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मैथ, मानसिक अभिरुचि, वृद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, रीजनिंग के प्रश्न होंगे।
और अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक, यह अभी इसमें नहीं दिया गया है कि कितने माइनस मार्किंग कितने की होगी, लेकिन ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसका आपका माइनस मार्किंग में मार्क्स कटेंगे। ठीक, जो भी है लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम सिलेबस जो है वो वेबसाइट पे दे रखा है इन्होंने। और जो डॉक्यूमेंट चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, वो क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपका शैक्षिक अर्हता यानी कि 12th का, और एज के लिए एज सर्टिफिकेट चाहिए। 10वीं 12वीं अथवा समकक्ष समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अंक पर चाहिए। ठीक, अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा हो जैसे डोएक्स है, नाइल्टी सोसाइटी में ओ लेवल का, या फिर प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा का प्रमाण पत्र हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी में बी प्रमाण पत्र हो, तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा इनसे। अगर ये आपके पास है तो ये भी आप लगा दें। दूसरा, जो कि मैंने बताया था कि आरक्षण, वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी नियम है उस हिसाब से आपको आरक्षण मिल जाएगा। और जो फिजिकल के लिए जो दिया गया है वो इसमें सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुषों के अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर किया गया, यानी कि 8 सेंटीमीटर की उनको छूट दी गई है। और जो सीने की माप है वो अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम सीने की माप है 79 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और कम से कम 84 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। और यही एसटी कैटेगरी में देखें तो उनको 77 बिना फुलाने पर और 82 फुलाने पर होना चाहिए। न्यूनतम जो है 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव होना चाहिए। ठीक, और महिलाओं के लिए जो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, ओबीसी जनरल एससी, उन महिलाओं के लिए 152 152 सेंटीमीटर की लंबाई होना चाहिए, और एसटी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके लिए 170 है। और महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम जो है 40 किलोग्राम वेट होना चाहिए, उनका 40 kg वेट होना चाहिए। जो फिजिकल होगा उसमें 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी, जो आपको 25 मिनट में, मैक्सिमम 25 मिनट में लगाना होगी। और वही फीमेल कैंडिडेट के लिए ये 2.4 किलोमीटर की रेस होगी, जिससे आपको 14 मिनट में पूरी करना आवश्यक होगा। और जो मेरिट बनेगी लास्ट में फाइनल में, वो मेरिट आपके रिटन पेपर के अकॉर्डिंग होगी, ना कि जैसे कि पहला होता आ रहा था कि फिजिकल के मार्क्स जोड़ रहे थे, तो इस बार फिजिकल के मार्क्स नहीं जोड़ेंगे, केवल रिटन रिटर्न में जो आप 300 नंबर का पेपर होगा उसी के आधार पे आपको फाइनल मेरिट में जगह मिलेगी और आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।